सो गाइज, हमने पिछले वीडियो में कुछ यहाँ तक एप्लीकेशन को बना लिया था और आज की वीडियो में हम लोग है जो होम का यूआई डिजाइन बनाने वाले हैं। ओके गाइज, तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर आ जाना अपने प्रोजेक्ट में। आने के बाद आपको क्या करना गाइज, आपको कहीं पर भी टाइप करना। तो यहाँ पर देख सकते हो है ना, यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपको देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये लीनियर बॉलेट दिख रहा है, इस पर आपको टाइप करना है। और यहाँ बीथ आपको क्या करना है, जीरो होगा, इसे मैच पैरेंट कर दीजिएगा। तो ये बॉलेट के सेक्शन पे आ जाओ, फिर से आपको यहीं पर टाइप करना है, ठीक है। फिर से आपको टाइप करना और लीनियर इनवाइट पे क्लिक करना है और इसकी बीथ जीरो होगा, इसे मैच पैरेंट कर देना। तो ये इनवाइट के पेज पर आ जाओ, फिर से यहाँ पर टाइप करना है और ये होम पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि ये मैच पैरेंट इसे कर दोगे तो ये होम के पेज पे आ जाओगे। आने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है इस टेक्स्ट व्यू को, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना है, एक स्क्रॉल भी एच लेना है यहाँ पर और गाइज ये सिलीनियर की आपको पेंडिंग आपको जीरो कर देना है ना, पेंडिंग आपको जीरो कर सेव कर देना है। और इस लीनियर की आपको यहाँ पर दोस्तों ये ग्रेविटी होगा सेंटर वर्टिकल, इसे हटाकर सेलेक्ट कर लेना है। और इस लीनियर जो भी स्क्रॉल है इसकी आपको विड्थ को मैच पैरेंट कर देना है और एक लीनियर भी ले लेना है, ठीक है। और गाइस जी, इस लीनियर जो लिस्ट भी स्क्रॉल लिए हो आप, इसकी आपको पेंडिंग आपको जीरो कर देना है, पेंडिंग जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। ओके गाइज, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या करना है, पहले सबसे पहले ये भी स्क्रॉल इसकी बीथ आपको रैप कंटेक्ट करना और यहाँ से एक लीनियर एच लेना है और ये वाला जो भी स्क्रॉल को आपको इसे पकड़ कर नीचे ला देना है, ठीक है। अब गाइज क्या करना है, यहाँ पर एक इमेज व्यू लेना है, ठीक है, ये वाला इमेज व्यू इसमें लगा देना है और एक आपको टेक्स्ट व्यू लेना है। तो टेक्स्ट व्यू किधर गया हमारा, ये रहा। एंड इसका बैकग्राउंड आपको क्या करना है ना, ये इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करना और ग्रेविटी होगा इसे वर्टिकल कर दीजिए, वर्टिकल हो जाएगा। होने के बाद आपको क्या करना है, एक लीनियर एच लेना है और एक इमेज व्यू लेना है और एक टेक्स्ट व्यू, ओके। और इसकी भी ग्रेविटी आपको वर्टिकल कर देना है। एंड गाइस, ये वाला जो इमेज व्यू है इसकी आपको विड्थ आपको कर देना है 25 और हाइट को भी 25, ये हो जाएगा। और इसकी स्केल टाइप को आपको फिश सेंटर कर देना है। करने के बाद इसमें इमेज सेलेक्ट कर लेंगे जो क्वाइन वाला है, ओके। और यहाँ पर जो क्वाइन होगा सो वो आप लिख दीजिए, तो ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए गाइज यहाँ पर क्या करता हूँ, 100 लिख देता हूँ, ओके। और यहाँ पर इसकी टेक्स्ट साइज थोड़ी सी बड़ा कर देते हैं एंड बैकग्राउंड कलर इसकी वाइट कर देंगे, ये वाइट हो जाएगा। हो जाने के बाद क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है इसे रैप कंटेंट कर देंगे एंड गाइज यहाँ पर इसकी पेंडिंग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये टॉप है यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और बटन भी 2, ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा। होने के बाद आप क्या करेंगे गाइज, ये टेक्स्ट व्यू है इसे रिनेम करेंगे और यहाँ पर होम पेज लिख देते हैं, होम पेज, ओके। साइज बड़ा कर दीजिए अपने हिसाब से, आप रख दीजिए इसकी, तो मैं 18 कर देता हूँ। और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है गाइज, आपको विड्थ मिलेगा इधर, आपको देख सकते हो वेट, आपको ये वेट आपको एक कर देना है ताकि एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। एंड यहाँ पर गाइज ये वाला इस बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करना और बैकग्राउंड कलर आप जो कलर रख रहे हो, तो अब मैं पिंक कर रख रहा था तो मैं यहाँ पर पिंक कर दिया हूँ, ओके। एंड ये जो टेक्स्ट व्यू का कलर है इसे वाइट कर देते हैं। एंड यहाँ पर गाइज थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है, इमेज व्यू पर क्लिक करना और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है एंड नीचे से आपको एक इमेज भी खोज लेना है गाइज, वो जो ड्रावर के लिए आप रखना चाहते हो, है ना। तो मैं यहाँ पर से खोल लेता हूँ, इधर ही होगा वो। तो
ये रहा गाइस। ओके तो मैं यहाँ पर व्हाइट कलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाइट पर गया और ये रहा व्हाइट, और सेव कर देते हैं। ठीक है व्हाइट हमने कर दिया। ओके और यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज भी सिलेक्ट करेंगे और ये आइस मेन्यू व्हाइट कर देंगे। गाइस इधर से आपको इसकी मार्जिन पर ध्यान देना और मार्जिन आप 10 कर दीजिए। ठीक है और यहाँ पर राइट पर आप 5 भी कर सकते हो। ठीक है तो ये कुछ ऐसा देखने को लगेगा आपको, ये हो जाएगा गाइस। और ये जो लीनियर देख रहा हो वी स्क्रॉल, आपको यहाँ पर क्लिक करना। उससे पहले आप क्या कीजिए, एक और लीनियर एच लगा दीजिए यहाँ पर। ये जो इस लीनियर की आईडी आप चेंज कर दीजिए बैनर आईडी। ओके तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ होम बैनर लिख देता हूँ। ठीक है ना, होम बैनर। ओके और सेव कर देते हैं, ये सेव हो जाएगा। और ये वी स्क्रॉल है गाइज, इसकी आपको वेट होगा, आपको वेट को आपको 1 कर दीजिए। तो गाइज ये लंबा हो जाएगा और उसके बाद ये जो हाइट है इसे रैप कंटेंट होगा, इसे मैच पर ट्रेंड कर दीजिए। ओके और ये जो लीनियर है इसकी बीथ आपको मैच पर ट्रेंड कर दीजिए ताकि ये फुल हो जाए। होने के बाद क्या कीजिएगा, जो आप यहाँ पर से एक लीनियर एच ले लीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, पेंडिंग आपको कर देना है 0। सो गाइस हमने पिछले वीडियो में कुछ यहाँ तक एप्लीकेशन को बना लिया था और आज की वीडियो में हम लोग है जो होम का यूआई डिजाइन बनाने वाले हैं। ओके गाइस तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर आ जाना अपने प्रोजेक्ट में, आने के बाद आपको क्या करना गाइस, आपको कहीं पर भी टाइप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो है ना, यहाँ पर आपको टाइप करना है। ठीक है यहाँ पर आपको टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपको देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये लीनियर बॉलेट दिख रहा है ना, इस पर आपको टाइप करना है। और यहाँ बीथ आपको क्या करना है, 0 होगा, इसे मैच पेरेंट कर दीजिएगा। तो ये बॉलेट किस सेक्शन पर आ जाएगा, फिर से आपको यहीं पर टाइप करना है। ठीक है फिर से आपको टाइप करना और लीनियर इनवाइट पर क्लिक करना है और इसकी बीथ 0 होगा, इसे मैच पेरेंट कर देना। तो ये इनवाइट के पेज पर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर टाइप करना है और ये होम पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि ये मैच पेरेंट इसे कर दोगे तो ये होम के पेज पे आ जाओगे। आने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है इस टेक्स्ट व्यू को। ठीक है करने के बाद आपको क्या करना है, एक स्क्रॉल भी एच लेना है यहाँ पर और गाइस ये इस लीनियर की आपको पेंडिंग आपको 0 कर देना है ना, पेंडिंग आपको 0 करके सेव कर देना है। और इस लीनियर की आपको यहाँ पर देखते हो ये ग्रेविटी होगा सेंटर वर्टिकली से हटाकर सेलेक्ट कर लेना है। और इस लीनियर जो वी स्क्रॉल है इसकी आपको बीथ को मैच पेरेंट कर देना है और एक लीनियर भी ले लेना है। ठीक है और गाइस इस लीनियर जो लिस्ट भी या स्क्रॉल लिए हो आप, इसकी आपको पेंडिंग आपको 0 कर देना है, पेंडिंग 0 कर दीजिएगा। ठीक है ओके गाइस तो यहाँ पर देख सकते हो क्या करना है, पहले सबसे पहले ये भी या स्क्रॉल इसकी बीथ आपको रैप कंटेंट करना और यहाँ से एक लीनियर एच लेना है और ये वाला जो भी या स्क्रॉल को आपको इसे पकड़ कर नीचे ला देना है। ठीक है सो गाइज हमने पिछले वीडियो में कुछ यहाँ तक एप्लीकेशन को बना लिया था और आज की वीडियो में हम लोग है जो होम का यूआई डिजाइन बनाने वाले हैं। ओके गाइज तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर आ जाना अपने प्रोजेक्ट में, आने के बाद आपको क्या करना गाइज, आपको कहीं पर भी टाइप करना। तो यहाँ पर देख सकते हो है ना, यहाँ पर आपको टाइप करना है। ठीक है यहाँ पर आपको टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपको देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये लीनियर बॉलेट दिख रहा है ना, इस पर आपको टाइप करना है और यहाँ बीथ आपको क्या करना है, 0 होगा, इसे मैच पेरेंट कर दीजिएगा। तो ये बॉलेट किस सेक्शन पे आ जाएगा, फिर से आपको यहीं पर टाइप करना है। ठीक है फिर से आपको टाइप करना और लीनियर इनवाइट पे क्लिक करना है और इसकी बीथ 0 होगा, इसे मैच पेरेंट कर देना। तो ये इनवाइट के पेज पर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर टाइप करना है और ये होम पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि ये मैच पेरेंट इसे कर दोगे तो ये होम के पे। सो गाइस पहले यहाँ पर क्या करते हैं आप, बीथ है जो पहले इसे रैप कंटेंट रहने देते हैं और यहाँ इस बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना और इसकी हाइट आपको 100 dp रखना है। ठीक ना 100 कर देना है और इस इमेज व्यू के बीथ आपको
पहले यहाँ पर इसकी क्या करना है, पेंडिंग होगा, पेंडिंग आपको क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए और सेव कर दीजिए, ठीक है। और गाइस यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसकी आईडी चेंज कर देते हैं, ये वाला है जो लीनियर चेकिंग रख देते हैं, ओके, लीनियर चेकिंग आईडी हमने चेंज कर दिया, लीनियर चेकिंग रख दिया। और इस इमेज व्यू की आपके क्या करना है, विड्थ मैच पेरेंट और हाइट भी मैच पेरेंट कर दीजिए। और यहाँ पर से इमेज भी आपको सिलेक्ट करना है गाइज, तो इसके लिए आपको थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना और प्लस पे क्लिक कर आप जो भी ऐड करना चाहते हो इमेज आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से चले जाता हूँ अपने, और गाइज यहाँ पर आपको बहुत सारे मैंने टेलीग्राम पर ये वाला इमेज अपलोड कर दिया है, ठीक है। ये वाला इमेज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से बैक आते हैं, और गाइज आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर चले आना हमारा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज अगर ठीक है, आपको क्या करना है, हमारे ये टेलीग्राम चैनल में आ जाना। आपको अगर नहीं मिलता ये सब इमेज तो आपको क्या करना है, थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना, सर्च कर देना है, हच लगाना है गाइज, और यहाँ पर पार्ट लिखना है, पार्ट 15। जैसे आप पार्ट 15 सर्च करोगे तो देख सकते हो कि ये सारा इमेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग कोई भी इमेज जो भी पसंद आता है आपको क्या करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देना, तो ये गैलरी में चला आ जाएगा ऑटोमेटिक, ओके। और फिर क्या करना है, यहाँ पर से आपको क्या करना है, इमेज जो आपने ऐड किया है प्रोजेक्ट में वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर डेली चेक इन का सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर स्केल टाइप है जो फिक्स सेंटर कर देते हैं, फिक्स सेंटर नहीं करेंगे, फिक्स एक्स बाई जेड कर देते, एक्स बाई जेड नहीं, फिक्स सेंटर ही रहने देते, ओके। और क्या करेंगे गाइज कि यहाँ पर से क्या करना है आपको, ये जो यहाँ पर आपको लीनियर चेकिंग आपको किधर यहाँ पर से ढूंढ लेना है, इधर से आपको लीनियर चेकिंग जिसका आईडी हमने चेंज किया था ये रहा, और इसे आपको क्या करना है, सेव कर देना है, कुछ भी नाम रख देना और सेव कर देना है, ठीक है। ये सेव हो जाएगा, और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे चले आइए, और गाइस देख सकते हो कि हमने इस नाम से सेव किया था, ओके। और यहाँ पर इसमें लगा देना है, ठीक है। और गाइस क्या करना है, बीथ आपको इसकी एक कर देना, पहले यहाँ पर से मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर से बैक हो जाता हूँ, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, पहले इस लीनियर चेकिंग है इसकी बीथ आपको एक कर देना होगा, पहले इसे बीथ आपको एक कर दीजिए, उसके बाद आप इसे सेव करना, ओके, ठीक है। मैं कुछ भी नाम से इसे सेव कर दिया हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे, अरे यार मैंने बाइक आ गया, कोई बात नहीं, फिर से अपने प्रोजेक्ट में चले आते हैं। और गाइस यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो तो ये रहा, और इस लीनियर में आपको लगा देना है, अरे भाई किधर गया यार, नीचे लग गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे बाइक किस हो रहा है, लगता मोबाइल थोड़ी लाइक कर रहा है गाइस, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ से इसे क्लिक कर इसमें आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, इधर आपको, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से हो जाता है। और क्या करना है गाइस, यहाँ पर ये वाला इसके नीचे के हिस्से आपको क्लिक करना है, ठीक ना, इसे आपको क्या करना है, सेव कर देना है कुछ भी नाम से, ओके, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर लगा देंगे एंड इसके नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा इतना, ठीक ना। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर देख सकते हो इसका इमेज है जो चेंज कर देते हैं, इसे स्केल टाइप आप देख सकते हो यहाँ पर फिक्स एक्स बाई जेड करते हैं, ठीक है, और इसका भी नहीं गाइज यहाँ पर फिक्स सेंटर रहने देना, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको इमेज यहाँ पर से चेंज कर देना, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं स्क्रीन वाला रख देता हूँ, और यहाँ पर इसे क्लिक कर विजिट एंड यहाँ पर ये रह गया, और गाइज यहाँ से वीडियो वॉल हो गया, और यहाँ पर से रख देते हैं। तो भाई एक चीज़ और मैंने नहीं किया है, रिवॉर्डेड
और एक। तो भाई जी एक ऑफर बॉल वाला आपने नया ऐड किया था, तो मैं फिलहाल के लिए ये कर लेता हूँ। ओके चलो भाई ये रहता हूँ, ठीक है इतना हो गया गाइज। और यहाँ पर ऑफर बॉल वाला एक मैंने लगाना भूल गया हूँ। ओके कोई बात नहीं, वो लगा लूँगा, आप लोग को इमेज सारा मिल जाएगा ठीक है। और क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। सेव करने से पहले गाइज इस लीनियर को आपको क्लिक करना है, जो इस लीनियर की आईडी आपको चेंज करना है ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, होम वॉलेट, वॉलेट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके होम वॉलेट और सेव करना, इवेंट में आ जाएंगे और मोर ब्लॉक पे जाएंगे, होम डिजाइन पे जाएंगे। और गाइज ये वाला इसे आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो होम वॉलेट था हमने रखा था, आईडी चेंज किया था गाइज, होम वॉलेट ढूंढ लेना है। ओके होम वॉलेट किधर है, होम वॉलेट, होम वॉलेट देख लेते हैं। ये रहा होम वॉलेट लीनियर, इसे सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इसी तरह से रहने देना है। ओके और यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना है, इसे सेव पर क्लिक कर देना है, ये हो जाएगा ठीक ना। होने के बाद आपको यहाँ पर से मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन कैसा बना। ओके और गाइस जब तक हमारा एपीके बिल्ड हो रहा है, जब भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो यार आप लोग, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ठोको, इतना ज़्यादा वीडियो को लाइक ठोको यार। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी वेट कर लेते हैं, क्योंकि गाइस हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए गाइज ये रन होने में थोड़ा तो आपको देर लेगा, एक मिनट तो ज़रूर लेगा गाइज। ओके एक मिनट भी नहीं लेगा, बट 20 से 30 सेकेंड तो लेना ही होगा इसे, क्योंकि गाइज आप जितना बड़ा एप्लीकेशन बनाओगे उतना देरी लेगा ठीक है। और यहाँ पर ये DXC जो रनिंग हो रहा है, बस अब हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होना बाकी रह गया है। और हाँ गाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, अगर आपको हमारे चैनल से जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें अगर कोई भी दिक्कत आता है उसकी हेल्प मिल जाएगा। अगर गाइज आप दूसरे की एप्लीकेशन एडिट करते हो, अगर एरर आता है तो उसका हेल्प नहीं मिलेगा गाइज, मैं पहले बता देता हूँ। काफ़ी लोग टेलीग्राम पर दूसरी की भी जो एप्लीकेशन होती है वो एडिट करते हैं और बोलते कि भाई ये एरर आता है, ये एरर आता है, तो भाई इसमें हम हेल्प नहीं कर सकते। जो भी हमारा प्रोजेक्ट में आता भाई वो तो बोलो यार, तो दूसरी की बोलते हो ठीक है। मैं इंटरनेट को ऑन कर देता हूँ। सो गाइस पहले यहाँ पर क्या करते हैं, आप बीट है जो पहले इसे रैप कंटेंट रहने देते हैं, और यहाँ इस बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना और इसकी हाइट आपको 100 dB रखना है ठीक ना, 100 कर देना है। और इस इमेज व्यू के बीट आपको मैं पहले यहाँ पर इसकी क्या करना है, पेंडिंग होगा, पेंडिंग आपको क्या कर दीजिए 0 कर।